हाय ब्यूटीफुल्स, तो आज बनाते हैं बॉडी उपटन या बॉडी पॉलिशिंग। तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टैन है, बहुत अनस्किविन टोन है, ड्राई स्किन है, तो इसके लिए बॉडी केयर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेस की केयर तो सब लोग करते हैं पर बॉडी की केयर कोई भी नहीं करता, तो वीकली बॉडी की केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया, एक स्पून ले लिया। उसके बाद मैंने ये ग्लो उपटन फेस पैक है जो कि आप बॉडी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑरेंज पील पाउडर और वाइल्ड टर्मरिक वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, मुल्तानी मिट्टी वगैरह। तो मैं सबसे पहले इसका 1 स्पून ले लूँगी। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी बॉडी के टैन रिमूवल को लिए। उसके बाद मैंने बेसन ले लिया है 1 स्पून। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है व्हीट फ्लोर। आटा लेना है सबसे पहले अपन को 2 स्पून। उसके बाद ये 100% प्योर कोकोनट ऑयल है, तो ये 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है, जो आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से पॉलिशिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बॉडी को शाइन देने में बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी बॉडी को, जो आपकी बॉडी कभी ग्लो नहीं करती उसके इसीलिए। उसके बाद मैंने ले लिया है मिल्क, और ये मिल्क मैंने जब पूरा ही मिल्क लिया है, जब तक इसका अच्छे से पेस्ट नहीं बन जाता, तो पूरा मिल्क से ही इसको पेस्ट बनाना है। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, पूरा को मिल्क डाल के अच्छे से मैंने इसको मिक्स करने के बाद में देख सकते हो इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। बॉडी पे मैंने सबसे पहले अच्छे से वाटर अप्लाई कर लिया है, उसके बाद मैंने इस पेस्ट को अपनी बॉडी पे लगा लिया है। मैं सिर्फ हैंड पे लगा के दिखा रही हूँ, बॉडी पे भी लगाना है इसको, पूरी बॉडी पे। जब आप नहाने जाओ, बाथ लेने जाओ, तब आप इसको अच्छी तरीके से अप्लाई करके और मसाज करना है एकदम स्लोली स्लोली, और धीरे धीरे इस मसाज करने के बाद इसको 5 मिनट्स के लिए आप ऐसे ही छोड़ दोगे। उसके बाद आप डिफरेंस देख सकते हो कि मैंने इसको इस तरीके से रिमूव किया है। इसी तरीके से आपको भी रिमूव करना है, पूरा ड्राई होने देना है, 5 मिनट वेट करना है, पहले अच्छे से मसाज करनी है, उसके बाद में 5 मिनट इसको रहने देना है, उसके बाद इसी तरीके से आपको रिमूव करना है। देख सकते हो मेरे कितनी ज़्यादा डर्ट निकल रही है इसको रिमूव करने के बाद में। उसके बाद मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से मेरा टैन भी रिमूव हुआ है। एक यूज़ में आपको इतना डिफरेंस नहीं लगेगा, तो उसको हमेशा 1 हफ्ते में ज़रूर अप्लाई करना है, और इसको अप्लाई करने के बाद में सनस्क्रीन लगाना मस्ट है गाइस। ऐसे ही धूप में मत जाना वरना और ज़्यादा टैनिंग हो जाएगी। तो ये 3 सनस्क्रीन है बेस्ट, तो मैंने इसमें से जॉय की सनस्क्रीन ली है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी स्किन के लिए। तो मैंने अच्छे से सनस्क्रीन को अप्लाई कर लिया है, बहुत ही स्मूथ लगेगा, उसके बाद ही आपको इसको धूप में जाना है, वरना आप सन टैन में बिल्कुल भी मत जाना, टैनिंग हो जाएगी आपको। तो इसके बाद मैंने बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, तो मैं और ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। बाय टिल।